हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री वन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स को। बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स का जो सार है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स में भी कहीं पर रिपीट हो चुका है। अब बीटा ब्लॉकर्स का सार लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब हम इस स्ट्रक्चर को चार कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला आता है हमारा अमीनो ग्रुप, सेकंड आता है हमारा कार्बन चेन, थर्ड आता है हमारा एक्स ग्रुप और फोर्थ आता है हमारा एरोमेटिक रिंग। तो ये चार कॉम्पोनेंट्स हैं। अब इन चार कॉम्पोनेंट्स में हम अल्ट्रेशन करेंगे और फिर हम इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक रिंग की। एरोमेटिक रिंग कौन सी है? ये वाली हमारी जो फिनाइल रिंग है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एल्किनाइल एंड एल्किनाइल ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑन फिनाइल रिंग गिव गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा ये जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग के हमारा ऑर्थो पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन जो है, इस पोजीशन पर अगर हमारा एल्किनाइल ग्रुप लगा होगा या फिर हमारा एल्किनाइल ऑक्सी ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में हमारा जो है जो ड्रग होगी, हमारी जो मॉइटी होगी, वो हमारा गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगी। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है एल्प्रिनोलॉल। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ओएच ग्रुप अगर हम अटैच करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी रिमूव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैटेकॉल रिंग। अब ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, अगर हम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो ये जो हमारा कैटेकॉल रिंग बन जाएगी और कैटेकॉल रिंग जो है वो हमारा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो नहीं करती है। तो इस वजह से हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, उसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी जो है, जो उसकी बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी है, वो हमारी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ फिनाइल रिंग रिप्लेस विद नेपथाइल रिंग दे आर नॉन सेलेक्टिव। अब इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसमें हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में अगर हमारा फिनाइल रिंग लगी होगी तो वो जो हमारा सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। अगर उसकी जगह हमारा फिनाइल रिंग की जगह अगर हमारा नेपथाइल रिंग लगी होगी तो वो हमारा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रखा है प्रोपेनोलॉल का, तो यहाँ पे हमारा नेपथाइल रिंग अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेपथाइल रिंग अटैच होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोपेनोलॉल है, ठीक है, वो जो हमारा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करता है, वही हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमारा प्रोपेनोलॉल जो है वो हमारा नॉन सेलेक्टिव होता है और जो हमारा एट्रिनोलॉल है उसमें हमारा जो है फिनाइल रिंग होती है तो वो हमारा सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बन चेन की। ओ सी एस टू ग्रुप बिटवीन एरोमेटिक रिंग एंड इथेनॉल अमीनो साइड चेन इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ये इथेनॉल अमीनो ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, इन दोनों के बीच में हमारा ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स जो है वो हमारा होगा ओ सी एस टू ग्रुप, ठीक है, ये जो हमारा एसेंशियल है, अगर हम इसको रिमूव करवा देते हैं तो वो जो हमारा बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप की। अमीनो ग्रुप कौन सा हमारा? ये वाला ग्रुप, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एंड टी ब्यूटाइल ग्रुप ऑन अमीनो ग्रुप गिव मोर एक्टिव कंपाउंड्स। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के साथ अगर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा या फिर हमारा टी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, तो उन दोनों केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा एक्टिव कंपाउंड होगी, ठीक है, मतलब वो जो हमारा ज़्यादा एक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की। एक्स ग्रुप कौन सा हमारा? ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्स ग्रुप। अब एक्स ग्रुप की जगह अगर हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे अराइल इथेनोलामीन्स। वहीं अगर हमारा एक्स ग्रुप की जगह मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामीन्स। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।